अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने जो अगला टॉपिक करना है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एंड यू नो कि ये भी वो टॉपिक है जो आपके पास क्वेश्चंस में काफी दफा आता होता है। बहुत ही आसान से पहले ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बस थोड़ी बहुत बात इसके बारे में कर लेते हैं, उसको खत्म करते हैं, फिर वी मूव फॉरवर्ड। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है, जब भी सिंड्रोम का लफ्ज आता है इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एक जगह को इन्वॉल्व नहीं कर रही, जो मल्टीपल जगह या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। उसके बाद ओवेरियन एंड पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, इसमें सिस्ट्स होती हैं कि फ्लूइड फिल्ड कलेक्शंस जिनके गिर्द एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो सिस्ट होती है। और अगर एक ओवरी में मल्टीपल सिस्ट्स बन जाती हैं और उसके साथ बॉडी के कुछ और सिस्टम्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज सेड के इट इज अ सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन अलॉन्ग विद द कार्डिनल फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो दो चीजें इसमें आपने हॉलमार्क लेनी है, बेसिकली दो नहीं होती, हम तीन देते हैं जो इसका हम कहते हैं कि इसको डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो तीन चीजें होनी चाहिए। लेकिन स्टिल आपने ये बात तो जरूर करनी है, इसमें जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपकी ओवरीज में पॉलीसिस्टिक होती है ओवरीज, ठीक है। मतलब ये कि ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बने हुए आपको नजर आते हैं बाकायदा तौर पर, उसका भी क्राइटेरिया में आगे आपको बताती हूँ कि कितने सिस्ट लाजमी होने चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड पे आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक है और उसके साथ पेशेंट का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो होता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म का, है तो ये फीमेल लेकिन इसमें एंड्रोजन ज्यादा बन रहे होते हैं। मतलब वही मैंने भी आपको जिस तरह पिछले वीडियो में बताया कि किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है और एड्रीनल ग्लैंड में जो तीन तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करने हैं उसमें ग्लूकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस है। एंड एंड्रोजेंस का मतलब है कि मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है इनमें ये ज्यादा बन रहा होता है, एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन खराब होता है किसी हद तक, हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, ठीक है। और इस तरह का जो एक प्रेजेंटेशन आती है हमारे पास उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लेबल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉज क्या है, क्यों ऐसा होता था कि ओवरीज बन जाती है, तो इसकी मोस्ट प्रॉब्ली वैसे कोई अभी तक कॉज इतनी एस्टेब्लिश नहीं है हमारी, जो जहां तक मैं आपको वही चीज बता रही थी जो हमारी बुक्स कहती है। बहुत आपको पता है रिसर्च हर रोज चल रही है, हर नए दिन हर लम्हे चल रही है और हर नए लम्हे रिसर्च की वजह से नई गाइडलाइंस आ जाती हैं, लेकिन हमने क्योंकि जो किताब में लिखा हो तो वो इसे फॉलो करना है कि हमसे वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बुक जो अभी तक कहती हुई है कि इसके कॉज कोई खास एस्टेब्लिश नहीं है, कोई जेनेटिक कॉज ही होगी कि ये सिंड्रोम हो जाता है, अदरवाइज कोई फैक्टर ऐसा इन्वॉल्व नहीं होता इसमें कि हम कहें कि ये होगा तो ये ओवेरियन सिंड्रोम आएगा, अदरवाइज इसका मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। जो फीचर्स आते हैं पेशेंट में वो हमेशा कुछ इस तरह से होते हैं कि पहली बात तो ये कि पेशेंट ओबीस होते हैं, तकरीबन इसके मैक्सिमम पेशेंट जो है वो ओबीस होती है, ठीक है। फीमेल ओबेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओबेसिटी एक तो कितनी गलत स्पेलिंग होगी, सॉरी, ठीक है। एक तो ये कि ओबेसिटी के इसके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन है, और दूसरी बात ये कि आपने याद रखना कि जो फीमेल्स है उनमें इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी कि वो प्रेजेंट करेगी आपके पास या तो वो एमेनोरिया होगा उसको या ओलिगोमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया नहीं हो सकता। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है कि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही ना हुई हो, वो प्रेजेंट करेगी। एमेनोरिया का मतलब है कि एक फीमेल जिसकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी या फिर जैसी भी पहले चल रही थी, अब उसको 6 महीने से 6 मंथ से उसको मेंसेस नहीं आए, और अभी उसको ना इन 6 महीनों में प्रेग्नेंसी का कोई सीन है और ना ही कोई लैक्टेशन वाला सिलसिला है, ठीक है। क्योंकि एक तो होता है आपका प्रेगनेंसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल एमेनोरिया। एक होता है आपका जब फीमेल ब्रेस्ट फीड कर रही होती है और मुस्तकिल अपनी ही फीड पे रखती है बच्चे को, उस वक्त भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं, उसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। और उसके अलावा एक एमेनोरिया ये होता है कि शुरू ही नहीं हुए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। तो ये सब चीजें हमने एक्सक्लूड कर ली और हमें ये पता चला कि एक फीमेल आई है जो कह रही है कि 6 महीने से मुझे मेंसेस नहीं आए, उससे पहले ठीक आते थे या फिर आते थे जैसे भी आते थे, और ना वो इन 6 महीनों में या अभी प्रेग्नेंट है और ना ही लैक्टेटिंग है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज सेकेंडरी एमेनोरिया जो कि सिग्निफिकेंट है टू एनी कॉज। और इसमें जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है इसमें हमारी प्रेजेंटेशन एक ही होती है कि फीमेल जो है वो एमेनोरिया के साथ आती है या फिर ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि बहुत थोड़े मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं लेकिन इरेगुलर, कभी कभार इवन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ भी आ सकती है। कभी कभार वो ये कहती है कि बहुत कम हमें मेंसेस आते हैं लेकिन जब आते हैं तो बहुत हैवी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये इसकी, लेकिन एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया आपने याद रखने क्योंकि इसकी जो कार्डिनल कंप्लेन है ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया ही होती है। अच्छा, उसके साथ दूसरी क्या फीचर होगी पेशेंट को, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स आएंगे। अब एंड्रोजन ज्यादा होंगे, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो पेशेंट की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, हर्सिटिज्म आएगा, एबनॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बियर्ड के थोड़े बहुत बाल आने लग जाएंगे, मतलब पूरी बियर्ड नहीं, हल्के हल्के बाल उसके फेस पे ज्यादा होंगे, उसके बाकी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेस्ट पे ज्यादा हो सकती है, उसके साथ उसको एक्नी शुरू हो जाएगी। एक्नी इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एंड्रोजेंस, ठीक है।
तो उसके फेस पे एक्नी बहुत ज्यादा होती है। और उसके साथ फिर तीसरा हमने क्या देखना है, ये तो पेशेंट प्रेजेंट करेगी ना, पेशेंट कहेगी कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मल है और उसके मुंह पे और बाकी जगह पे बाल ज्यादा आते हैं और एक्नी हो जाती है। तो हमने जो देखना है, हमने करना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम करेंगे पेल्विस का, तो उसमें हमें मिलेंगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ओवरीज में कितने सिस्ट होने चाहिए, कम से कम एक ओवरी में 8 या उससे ज्यादा सिस्ट होंगे विच आर एटलीस्ट 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, मतलब उससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन कम से कम उसका डायमीटर 10 मिलीमीटर होना चाहिए। सब फॉलिकुलर होने चाहिए, मतलब ओवरी का जो फॉलिकल है उसके नीचे होगा, सॉरी सब कैप्सुलर होने चाहिए, ओवरी के कैप्सूल के अंदर बने हुए हों सिस्ट, और 8 या उससे ज्यादा इन नंबर हो, 10 मिलीमीटर या उससे ज्यादा इन साइज हो, ठीक है, और दोनों ओवरीज में हो, तो हम उसको कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पेशेंट को अगर 3-4 सिस्ट हैं तो हम लेबल नहीं करते, ठीक है। और उसके लिए जो बाकी दो चीजें वो ये इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड केमिकल या फिर क्लिनिकल एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब एक तो फीमेल प्रेजेंट करेगी एक्नी हर्सिटिज्म के साथ, फिर आप उसके बॉडी में एंड्रोजेंस का लेवल चेक करेंगे जो कि उसका पैरामीटर होगा जो आपने इन्वेस्टिगेट किया तो भी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है उसकी, उसके साथ उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन मजीद हो सकती है वो सब फर्टिलिटी हो सकती है। कई फीमेल्स ऐसी हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी ख्याल नहीं करती अपनी, अगर एबनॉर्मल है भी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता और उनको बाल भी आने से मसला नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्रेजेंट तब करती हैं जब उनकी फर्टिलिटी की बारी आती है, तो वो कहती हैं कि अब हमारी हम कोशिश करें कंसीव करना लेकिन हम नहीं कंसीव कर पा रहे। तो कंसेप्शन ना होने की एक बड़ी वजह ये होती है पीसीओएस, क्योंकि इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो अक्सर एनओविलेटरी होती हैं, मतलब कि जब कभी मेंसेस आ रहे हैं, कभी कभार तो फीमेल्स होते हैं जिनको आते ही नहीं है, लेकिन जिनको आते भी हैं उनकी साइकिल्स में ओवम रिलीज नहीं होता, एनओविलेटरी साइकिल्स होती हैं, इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कंसेप्शन नहीं होती, तो सब फर्टिलिटी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन एक और प्रॉब्लम इसमें हो सकती है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हम उसको कहते हैं, विच इज एबनॉर्मल पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्पेशली जो आपकी एक्जिला की स्किन होती है एकेंथोसिस, ठीक है, एक्जिला की जो स्किन होती है उसमें एबनॉर्मली जो है वो डार्कन होने लग जाती है, वो भी ऐसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अब इसमें ना मैं अगर आपको ये बताऊं कि इन चीजों की वजह क्या है, मतलब इफ यू वांट टू, आपके जहन में आता होगा सवाल कि भाई एनोविलेटरी साइकिल्स है मैं कह रही हूँ, एंड मैं ये भी कह रही हूँ कि इसमें ओसिस्ट है ओवरी में, तो हार्मोन्स का क्या सिलसिला होता है, तो इसमें ना आप याद रखना जब भी सिंड्रोम की बात आती है ना तो हार्मोनल इम्बेलेंस मल्टीपल जगह पर काफी अजीब हुआ होता है, मतलब इसमें क्योंकि ओवरी में सिस्ट है तो ओवरी में सिस्ट की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल कम भी होता है, और कई बार जो एक मेजर फीचर हमने देखा वो ईस्ट्रोजन का लेवल काफी ज्यादा भी होता है। उसके बाद इसमें पिट्यूटरी में अलग से प्रॉब्लम होती है, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे क्या होता है कि LH ये बहुत ज्यादा सिक्रीट कर होता है विदाउट ईस्ट्रोजन इवन, ठीक है। वैसे तो हमने पढ़ा था ना कि जितना ईस्ट्रोजन ज्यादा एक लेवल कट ऑफ जब अचीव हो जाता है LH उसके बाद रिलीज होता है, एकदम से सड़ जाती है, यहाँ वो वाला हिसाब नहीं होता। पोस्ट पीसीओएस में वैसे मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी बता रही हूँ कि LH भी ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन भी ज्यादा होता है, ठीक है, ये हार्मोन्स वैसे ही ज्यादा होते हैं, ईस्ट्रोजन भी किसी हद तक ज्यादा ही होता है। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है इन लोगों में, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, उसके साथ साथ बॉडी में फैट्स का लेवल भी ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने कहा ओबीस होते हैं ये लोग, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन अक्सर इन लोगों में काफी लो होता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन लो भी नहीं होता लेकिन मतलब एक नॉर्मल लेवल कई बार होता है। तो अब अगर मैं आपको थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी से बताती हूँ बताने के लिए कि जब हम इनको ट्रीट करते हैं ना तो यार मल्टीपल थिंग्स जो कि आगे पीछे हुई भी होती है, तो हम एक जनरल से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं होता हमारा कि ये ऊपर है इसको हम नीचे कर लें, नीचे वाले को ऊपर कर लें, इनमें ऐसे मल्टीपल एबनॉर्मैलिटीज होती है, इसीलिए इन लोगों में एसोसिएटेड कंडीशन जो है वो एक तो इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज है वो होने का खतरा, एंड देन कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने का खतरा, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लीडिंग टू डिफरेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम इनको इसीलिए ऐसी रिकमेंडेशन शुरू से ही देते हैं जो कि इस चीज को कम करें। तो आपने इन्वेस्टिगेशन में ये करानी होती है, ठीक है, आपने हिस्ट्री पूछनी है, आपने एंड्रोजन लेवल चेक करना है, एंड्रोजन वैल्यूज कराना है। अब मैनेजमेंट में आप इनकी सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डील करते हैं, तो सबसे पहला जो चीज होती है ना वो आप उनको कहते हैं वेट रिडक्शन। अगर वो ऑबीस फीमेल है कुछ भी ट्रीटमेंट देने से पहले, इसमें कई बार ऐसा होता है कि पीसीओएस की फीमेल सिर्फ अगर अपना वेट रिड्यूस करती है ना तो उनके तकरीबन 60-70% सिम्टम्स वही रिजोल्व कर जाते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाती है खुद ब खुद ही, उनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मसला था, उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था वो ठीक हो जाता है, उनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डायबिटीज की वजह से जो उनके मसले बन रहे थे वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ उनकी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो जाती है। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ वेट रिडक्शन से रिस्पॉन्स करती है, तो आपको सबसे पहले लिखना है मैनेजमेंट में कि हम उसको एडवाइस करेंगे फॉर वेट रिडक्शन।
ठीक है, क्योंकि मुक्स मोस्टली ओबीस होती हैं। उसके बाद जब आपको मेडिकल थेरेपी साथ देनी होती है तो आप देते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के एक डिफाइंड लेवल्स होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाती है, क्योंकि उनके अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो ये उसको रेगुलेट करते हैं। लेकिन जब तक वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती रहेंगी, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल तो किसी हद तक रेगुलेट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो अनओवुलेटरी रहे, ओवुलेशन ना हो और वो कंसीव नहीं कर सके। ठीक है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनकी कंसेप्शन नहीं हो सकती अगर वो ये खाती रहे। फिर कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें इस्ट्रोजन वगैरह का लेवल ठीक होता है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके हो नहीं रहे होते, एमेनोरिया होता है। अब ऐसे में जब एमेनोरिया होगा तो उनकी एंडोमेट्रियम बार बार तैयार हो रही है, मतलब तैयार है हर टाइम, काफी थिक हो गई है, लेकिन वो शेडिंग ऑफ द मेंसेस नहीं हो रही, तो उसकी वजह से उनको पेन शुरू हो जाता है। तो हम उनमें क्या करते हैं कि हम उनमें देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स को नॉर्मल करते हैं पहले। ठीक है, जब प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स उनमें नॉर्मल होंगे, उसको कहते हैं ये है हमारे पास ओरल प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जब हम इसको देते हैं उनको साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्ट्रॉन साइक्लिकल लेवल्स में देते हैं। ठीक है, साइक्लिकल का मतलब ये है कि वो जब लो होगा, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि एंडोमेट्रियल शेडिंग होगी और उनके मेंसेस शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसका हाई लेवल होगा तो दोबारा से थोड़ा सा एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होगा। तो साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं उन लोगों को जिनको एमेनोरिया होता है बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये कि जब कुछ ऐसे लोग हैं जब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी हुई हो ना, वो छोड़े तो विड्रॉल ब्लीड होती है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद एक और ड्रग होती है क्लोमिफीन। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए होती है जिनमें फर्टिलिटी रिक्वायर्ड होती है, जिनको फर्टिलिटी का मतलब ये है कि जो चाह रहे होते हैं कि ओवुलेशन हो और हम कंसीव करें, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि जब तक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते रहेंगे कंसेप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये ओवुलेशन नहीं होने देते। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन का भी ओवुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लोमिफीन आपका है जो ओवुलेशन इंडक्शन कराता है, तो ओवुलेशन को इंडक्शन करने के लिए हम क्लोमिफीन देते हैं ताकि ओवुलेशन हो और वो पेशेंट जो है वो कंसीव कर सके। लाइफस्टाइल एंड डाइटरी एडवाइसेस, एक्सरसाइज का कहते हैं, खाने पीने में चिकनाई कम करने का कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें बताते हैं कि उनको कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग का मतलब ये है कि हम पेशेंट्स का ऐसा प्रोसेस, अगर वो इस चीजों से ठीक नहीं होती तो हम उनका ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे उनका वो वाला एरिया ओवरी का जो बहुत ज्यादा सिस्ट से भरा हुआ उसको रिमूव कर दें, ताकि जो बाकी एरिया है जो फंक्शनल है वो ठीक ठीक फंक्शन कर सके और ओवुलेशन हो सके। ठीक है, तो इसको ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। एंड देन फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है हर्सिटिज्म की, क्योंकि उसके बाल की और एक्नी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो हर्सिटिज्म एंड एक्नी वॉज ड्यू टू एंड्रोजेंस, तो यहाँ आपने उसको खत्म करना होता है। उसके लिए एक होता है कि आप सबसे पहले तो जो आपका हर्सिटिज्म वाला एरिया उसमें एफ्लोरेंथीन क्रीम अप्लाई करें। एफ्लोरेंथीन क्रीम आपके हेयर फॉलिकल में जाती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है, तो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, एफ्लोरेंथीन क्रीम, उसके ये टॉपिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद है यू हैव सिप्रोटिरोन एसिटेट, ये भी आपकी एक ऐसी चीज है जो एंट्री एंड्रोजेनिक है। ठीक है, नाम आपको याद ही करना पड़ेगा सिप्रोटिरोन एसिटेट का। देन आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेटफॉर्मिन का। मेटफॉर्मिन आपको पता है कि इट इज अ जो आप टाइप 2 डायबिटीज में देते हैं बायगोनाइड्स की तरह की एक टैबलेट है, ये हमारी बॉडी में जब जाती है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसकी वजह से जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है तो खुद ब खुद ही हर्सिटिज्म का पैटर्न थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी बड़ा अच्छा रोल आता है इन योर पीसीओएस की मैनेजमेंट में। एंड देन फिर आपको देने पड़ते हैं, कई बार आपको हर्सिटिज्म को ट्रीट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ती है, यानी कि कॉटरी या फिर लेजर से आपको बाल रिमूव करने पड़ते हैं। एंड समटाइम्स यू हैव टू गिव GnRH एनालॉग्स, जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स है, वो ये करते हैं कि वो एक मुस्तकिल लेवल पे GnRH को रिलीज करवाते हैं। आपको पता है कि FSH और LH के रिलीज होने के लिए GnRH को पल्सटाइल मैनर में रिलीज होता है। GnRH जो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, ये पल्सटाइल मैनर में रिलीज हो रहा है। पल्सटाइल का मतलब है ज्यादा कम ज्यादा कम, और इसका पल्सटाइल मैनर में रिलीज होना ही रिस्पॉन्सिबल है कि FSH और LH सिक्रीट हो। अगर ये कंटिन्यूस रिलीज होगा ना तो FSH LH रिलीज नहीं होंगे, और वो रिलीज नहीं होंगे तो आगे का साइकिल ही नहीं चलेगा। तो हम दे देते हैं GnRH एनालॉग, ऑब्वियसली हम देते हैं ताकि पिट्यूटरी से FSH LH रिलीज ना हो। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो सारे के सारे आगे इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एबनॉर्मल से बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे तो पेशेंट का पूरा एक साइकिल रुक जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं कि हम ये वाला एनालॉग देते हैं GnRH का और उसके अपने साइकिल को रोकते हैं। उसके बाद बाहर से हम उसको दे देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी बाहर से हम उसको सिंथेटिक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और फिर उससे उसका सारा सिलसिला चलाते हैं। तो ये भी सवेयर फीमेल्स में ही होता है रिफ्रैक्टरी टू अदर डिजीज में। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मस्त हो के नास में। थैंक यू।